नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नानीज गार्डन में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर गार्डनर को फेस करनी पड़ती है। कभी न कभी उनके पौधे पर मेली बग का अटैक होता ही है। मेली बग सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आउटडोर और इनडोर पौधों पर लग जाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी घरेलू पेस्ट कंट्रोल चीज़ें बताने जा रही हूँ जिनसे आप अपने पौधे से मिलीबग हटा सकते हैं। इनमें से एक ना एक चीज़ तो आपके घर में जरूर होगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें व चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलीबग अपने नुकीले मुंह को पौधे की पत्तियों या फलों में डालकर उनमें से रस चूसने लगते हैं। रस चूसते समय मिलीबग पत्तियों व फलों में विषैले पदार्थ और साथ ही शहद के जैसे चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं। चिपचिपे पदार्थ हनी ड्यू के कारण पौधों पर चींटियां भी चढ़ने लगती हैं और साथ ही पत्तियों पर काली फंगस भी लग जाती है। गमले में लगे गुड़हल, गुलदाउदी, गुलाब आदि पर मिली बग लगने की संभावना ज्यादा होती है। विशेषकर गुड़हल पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। सब्जियों में टमाटर, बैंगन, सेम, भिंडी आदि पर भी ये जल्दी लगते हैं। जैसे ही किसी पौधे पर 1-2 कीड़े भी दिखाई दें तो उसका इलाज हमें तुरंत करना चाहिए, नहीं तो यह सभी गमलों में फैल सकते हैं। पौधे पर मिली बग लगने पर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और कलियां समय से पहले ही गिरने लगती हैं। ये कीट बहुत ही कम समय में अपनी संख्या कई गुना बढ़ा लेते हैं और गार्डन में लगे कई पौधों को संक्रमित कर देते हैं। मिली बग इनडोर प्लांट पर या आउटडोर प्लांट दोनों तरह के प्लांटों पर लग सकते हैं। ये बगीचे में फलों के पेड़, सब्जियों के पौधे, फूलों के पेड़, फसल, कैक्टस आदि पर कहीं भी हो सकते हैं। मिली बग पत्तियों के नीचे या फूलों के अंदर छिपे रहते हैं, जल्दी से नजर नहीं आते हैं। घर या बगीचे के किसी भी पौधे को इससे खतरा हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है वह है कि जिन टहनियों पर मेली बग ज्यादा हो उन टहनियों को काट कर फेंक दीजिए। टहनियां फेंकते वक्त भी ख्याल दीजिए कि कीड़े नीचे मिट्टी में नहीं गिरे, क्योंकि ये मिट्टी से पौधे पर आ सकते हैं। यदि आपके पौधे पर मेली बग के प्रकोप की शुरुआत है तो इस समय आप उस पर पानी की तेज धार चलाकर उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि हाउस प्लांट या घर के अंदर लगे पौधों पर मिलीबग कीट लग गया है तो उसके नियंत्रण के लिए एक कपड़े को गीला करें और उससे पौधे की पत्तियों व फलों पर चिपके इन कीटों को दूर कर दें। इससे पौधे पर मौजूद मिलीबग हट जाते हैं। साबुन के घोल का प्रयोग। मिलीबग के लिए संक्रमित पौधों पर साबुन और पानी के घोल को भी स्प्रे किया जाता है। इस मिली बग कीट का उपचार करने का यह सबसे सस्ता माध्यम है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी लें और उसमें 1 छोटी चम्मच लिक्विड डिश सोप मिलाएं। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तैयार घोल को पौधों की पत्तियों व फलों पर अच्छे से स्प्रे कर दें। इस प्रोसेस को हर हफ्ते रिपीट करने पर आप इस समस्या से परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। नीम की पत्तियों का पाउडर। मैं पतझड़ के समय नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लेती हूँ। जब भी आप गुड़हल या फूलों वाले पौधे का पॉटिंग मिक्स बनाएं तो ये पाउडर उसमें मिक्स कर दें। ऐसा करने से दीमक और अन्य कीड़े नष्ट हो जाएंगे और मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। मिलीबग लगने पर आप इन पाउडर को 1.5 चम्मच 1 लीटर पानी ओवरनाइट भिगो कर रख दें या इसे आधा घंटे के लिए उबाल लें। अब इसे छान कर स्प्रे बोतल में भरकर प्लांट पर इसका स्प्रे करें। इससे आपके पौधे से मिलीबग हट जाएंगे। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल। पौधे में लगे इन सफेद कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2 ग्लास पानी में 5 चम्मच हैंड सैनिटाइजर मिक्स कर दें। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे स्प्रे बोतल में भर लें। अब स्प्रे बोतल की मदद से
पेड़ पौधों पर इसका छिड़काव करें। हर 2-3 दिन में इसका छिड़काव करें और चेक करते रहें कि सफ़ेद कीड़े पूरी तरह गायब हुए हैं या नहीं। दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल। हर घर में दालचीनी का पाउडर तो मिल ही जाता है। दालचीनी में कई तरह की एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो छोटे और नए पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं। मिलीबग लगने पर आप 1.5 चम्मच दालचीनी के पाउडर को 1 लीटर पानी ओवरनाइट भिगो कर रख दें या इसे आधे घंटे के लिए उबाल लें। अब इसे छानकर स्प्रे बोतल में भरकर प्लांट पर इसका स्प्रे करें। इससे आपके पौधे से मिलीबग हट जाएंगे। छोटे पौधों पर दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल उन्हें कीड़ों से बचाने के साथ उनके विकास में भी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से पौधे की मिट्टी भी कीट मुक्त होती है। ज्यादा मिलीबग के पौधों पर अटैक होने पर आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लिक्विड सोप, 1 चम्मच नीम का तेल और 2 चम्मच अल्कोहल डालना है। इस घोल को अच्छी तरह हिलाएं, जिससे सारी चीजें मिक्स हो जाएं। पौधे पर स्प्रे करने से पहले पौधे के नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा लें, फिर छिड़काव करें, वरना स्प्रे करने से अंडे मिट्टी में गिरते हैं, जिनसे नए मिलीबग पैदा होते हैं और ये फिर से पौधों पर चढ़ जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है। यह स्प्रे पौधे के लगभग हर भाग पर अच्छे से स्प्रे करें। पत्तियों के निचले हिस्से पर भी करना है। हफ्ते में 2 बार यह प्रोसेस करें। इससे ये कीड़े पूरी तरह गायब हो जाएंगे। आप इस उपाय द्वारा भी मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। आपको 1 5 ग्राम वाला इनो का पैकेट लेना है। इसके बाद वाटर स्प्रे जार में 1 लीटर पानी भरें। इसके बाद उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल व 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालें। अब इनो डालकर जार को कसकर बंद कर दें। इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे शाम के समय पूरे पौधे पर स्प्रे कर दें। हफ्ते में 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करें। मिलीबग और चींटी का रिश्ता। यदि किसी पौधे पर चींटी अधिक दिखाई दे तो वहां मिलीबग हो सकते हैं। चींटी मिलीबग द्वारा छोड़ा गया शहद जैसा पदार्थ खाती है। चींटी के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जल्दी फैलते हैं। चींटी की मौजूदगी में शिकारी कीड़े मिलीबग से दूर रहते हैं। एक तरह से चींटी के कारण इनका बचाव होता है। अतः यदि मिलीबग अधिक हो तो इसके साथ चींटी का इलाज भी जरूर करना कर देना चाहिए। इसके इलाज के लिए एक लक्ष्मण रेखा की एक चौक स्टिक लें। चाकू की मदद से इसके 4 टुकड़े कर लें। 1 टुकड़े को 1/2 गिलास पानी में मिक्स कर लें। अब इस मिक्सर को स्प्रे बोतल में भर लें। बोतल को हिलाते हुए पौधे पर स्प्रे करें। हफ्ते में 2 बार इसका छिड़काव करें। 1 हफ्ते के अंदर ही कीड़े व चींटियां आपके पौधे पर नहीं दिखेंगे। चींटियों को पौधों से दूर करने के लिए सुबह के समय पौधे से लेकर गमले की मिट्टी तक दालचीनी का सूखा पाउडर छिड़कें। पौधे पर मिलीबग लगने से रोकने के लिए आपको निम्न टिप्स को फॉलो करना होगा। पहला, पौधे को स्वस्थ रखें, क्योंकि कमजोर पौधे पर मिलीबग का प्रकोप जल्दी होता है। दूसरा, गार्डन में साफ सफाई जरूर रखें। तीसरा, बगीचे में कुछ ऐसे पौधे भी लगाएं जो मधुमक्खी, भौंरा आदि कीटों को आकर्षित करते हों। ये कीट मिलीबग को खा जाते हैं। चौथा, नर्सरी से नया पौधा घर लाते समय उसे अच्छे से चेक कर लें, कहीं उसमें मिलीबग न लगा हो। पांचवा, जब नर्सरी से पौधा खरीद कर लाएं तो उसे कुछ दिन के लिए बाकी अन्य पौधों से दूर रखें। जैसे ही मिलीबग का संक्रमण पौधे पर दिखाई दे, तुरंत ऊपर बताए गए कीट नियंत्रण के उपाय अपनाएं।